नशाबंदी को लेकर ये शिद्दत सरकार की। बिल्कुल सही बात है, शराब क्या नशाबंदी होना चाहिए। तो इस सपने को कब पूरा करेंगे, तो आपके एजेंडे में भी था। बहुत सही बात है, 2 साल तो मेरे कोरोना में बीत गए। इस बीच में मैंने वही सोचा, देखा कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसमें पूरे देश में लॉकडाउन था। लॉकडाउन होने के बावजूद भी शराब पहुंचती रही। हमारे यहाँ फैक्ट्री बंद है तो आपके दिल्ली के बगल में हरियाणा, वहां से गाड़ी आई यहाँ पकड़ी गई। धार मध्य प्रदेश मतलब गुजरात के किनारे में है, धार के फैक्ट्री से शराब यहाँ पकड़ी गई। और उसके बाद सैनिटाइजर पी के लोग, कुछ लोग मर गए इसी राजधानी, हमारी राजधानी में। कुछ लोग हैं जो होम्योपैथिक जो सिरप है उसको पी के कुछ लोगों की जानी चली गई। तो ये तो लैंड लॉक स्टेट है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो ऐसे में यदि बंद करेंगे तो हाल गुजरात जैसे या बिहार जैसे जिसमें दर्जनों लोगों को मौतें हो रही है, और एक बार नहीं कई कई बार हो रही है। तो भाई मैं ऐसी कोई योजना नहीं लागू करूंगा जिससे लोगों की जान जाए, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो चाहे नोटबंदी की बात हो। आपने देखा कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों रोजगार गया। तो मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। जरूर मैं कह रहा हूं कि हमने घोषणा पत्र में डाला है और हम अभी भी उस वादे से अडिग हैं, लेकिन ये सामाजिक बुराई है और समाज के अभियान चला के इसको दूर करने का काम होना चाहिए। जब तक के इसमें समाज में जागरूकता हम नहीं ला पाएंगे तब तक के, मतलब मैं, मुझे क्या है, मैं अभी बोलूंगा दुकानें बंद तो कल शटर बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जहरीली शराब पी के मरेंगे फिर उसका क्या होगा। लेकिन कोई रोड मैप तो तैयार हुआ होगा सरकार के, सोच रहे हैं उसका अध्ययन भी कर रहे हैं और लगातार उसे सोच भी रहे हैं कि कैसे होगा, क्योंकि यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो समाधान की दिशा में लगातार कोई अच्छा आइडिया आप भी बता दीजिए, तो वो आइडिया मिले तो मैं लोगों को बात बताऊं कि ये अच्छी आइडिया। मैं न्यूज 18 के कार्यक्रम में गया था और मेरी छोटी बहन बैठी हुई थी, उन्होंने बढ़िया आइडिया मुझे दिया, तो ऐसा दीजिए तो मैं निश्चित रूप से उसे लोगों से बताऊंगा और कहूंगा कि इसको लागू करें। अच्छा, आपने सामाजिक मुद्दों की बात की। एक मुद्दा जो कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक है ही नहीं, सिर्फ उछाला जा रहा है, वो है, और कुछ लोग कहते हैं बहुत सीरियस मुद्दा है, वो है जबरन धर्मांतरण का, और उस पर राजनीति भी होती है। क्या इस तरह की बातें, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में भी ये बार बार उठता है, ये चुनावों में लोगों पे असर डालती हैं, जब आप लोगों पे जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग? देखिए, एक चीज़ है कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपा गया मुद्दा है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब चुनौती देता हूँ और महीनों से दे रहा हूँ कि 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने तो चुप हो जाते हैं, उसके पहले उतने नहीं थे और उसके बाद नहीं बने, सबसे ज़्यादा बना उनके समय में। अब कोई भी आस्था का जो केंद्र है वो तब बनेगा जब उसके मानने वाले रहेंगे। मैं हिंदू हूँ तो मैं मंदिर बनाऊँगा, तो पहले हिंदू होना जरूरी है ना, तब तो मंदिर बनेगा। कोई यदि सिख है तो सिख होना जरूरी है, तब तो वहाँ गुरुद्वारा बनेगा। तो उसी प्रकार चर्च तब बनेगा जब वहाँ उसके मानने वाले लोग होंगे। तो सबसे ज़्यादा चर्च किसके समय बना? भारतीय जनता पार्टी के समय। तो इसका मतलब यह कि धर्मांतरण उसके समय ज़्यादा हुआ। जब इस आंकड़े की बात करता हूँ तो चुप हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, धर्मांतरण का मुद्दा जो है आखिर ये स्वीकृत कहाँ से होगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। तो सरकार केंद्र में किसकी है भाई, क्यों नहीं कर लेते? डिलिस्टिंग का मामला हो चाहे धर्मांतरण का मामला हो, ये केंद्र का विषय है, पूरे देश में लागू कर लेना। भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्यों हल्ला कर रहे हैं? लोकसभा अभी आने वाला है, उसमें बिल लाए, पारित करे, लागू कर दे। अरे भाई, दिल्ली सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ट्रांसफर करने का अधिकार है, दूसरे दिन अध्यादेश ले आए कि आप नहीं कर सकते, तो इसको भी कर लो भाई, कौन रोक रहा है आपको? भारी बहुमत है आपकी। राष्ट्रपति भी ऐसा था ही नहीं कि आपके आपके अध्यादेश को या फिर लोकसभा में पारित किए हुए बिल को आप हस्ताक्षर नहीं होगा। तो ये केवल राजनीति की, छत्तीसगढ़ में इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं एक्चुअल में। ना किसान उनके साथ है, ना मजदूर उनके साथ है, ना महिला उनके साथ है, ना युवा उनके साथ है, ना आदिवासी उनके साथ है, ना अनुसूचित जाति के लोग हैं।
वो गाय के नाम से वोट मांगते थे वो भी छूट गया, राम के नाम से वोट मांगते थे वो भी छूट गया, क्योंकि 15 साल सरकार में रहे, राम वनगमन परिपथ में एक ईंट भी नहीं रखा, हम तो लगातार मना रहे हैं, तो सब कुछ छूट गया। तब एक बच गया धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, वो लव जिहाद वाला मामला आया था। मैं बोला इस भाई गरीब लोगों के बीच में यदि हो जाए प्रेम तो वो जिहाद हो गया, और इनके घर के बच्चे करते हैं तो क्या होता है, फिर लव हो जाता है। आंदोलन क्या गरीब परिवार के, मतलब गरीब लोग ही इनके राजनीतिक हथियार हैं, और इसके घर के बच्चे करते हैं उसमें आंदोलन क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता की बेटी, शादीशुदा बेटी दूसरे घर में बैठी हुई है, एक मुसलमान के घर में, उसमें आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? तो उसमें चुप हो जाते हैं। जितने बड़े नेता देखो दिल्ली में, कोई मंत्री बनाए, कोई सांसद बनाए, कोई विधायक बनाए, तो वहां क्यों आंदोलन नहीं करते? आम जनता को बता रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, इनको अधिकार है लव जिहाद करने का, ये करेंगे। जितने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी देखो लाइन से, मैं नाम किसी को नहीं ले रहा हूं, सब बड़े नेताओं के दामाद आपको मिल जाएंगे। उसमें आंदोलन देशभर में क्यों नहीं होता, मेरा सवाल ये है। तो हम तो महात्मा गांधी के मानने वाले हैं, करने से पहले, बोलने से पहले करने हैं, काम करके बताओ, जैसे गांधी जी कहते हैं ना, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो हम लोग उस प्रकार से नहीं है, मतलब पर उपदेश कुशल बहुत रहे, आपके लिए दूसरी और मेरे लिए दूसरा। अभी कानून देख लीजिए, टेनी मिश्रा के लिए अलग, आम जनता के लिए अलग, वो क्या भूषण है, एक ब्रिजभूषण के लिए अलग और पहलवानों के लिए अलग। तो ये नहीं चलना चाहिए, आप सत्ता में हैं, शासन में हैं, तो आप जो अपेक्षा आप दूसरों से करते हैं वो आपको, आपको व्यवहार वैसे ही होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जी हाँ, क्या यही वजह है कि आप ये भी कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई इसीलिए हो रही है? वो ईडी के अधिकारी ये बोलते हैं कि हमारे भरोसे कैसे चुनाव लड़ लेंगे भाई, वो तो बूथ में नहीं जाएगा वोट दिलवाने, वो कार्रवाई कर सकते हैं, जबरिया जेल में छू सकते हैं, भेज सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, छापा डाल सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, लेकिन बूथ में तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जाना पड़ेगा ना, मतदाता के पास उसी को जाना पड़ेगा, ईडी वाले नहीं जाएंगे, ईडी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ सकते। आपने परिवार की बात की, आप यहाँ और कांग्रेस पे इल्जाम लगता है कि कांग्रेस में राजनीति जो है वो परिवारों के सहारे चलती है, आपका परिवार भी आगे राजनीति में आएगा या नहीं, आप यहाँ फुल स्टॉप करेंगे? देखिए कांग्रेस में केवल गांधी परिवार पर ही परिवारवाद का आरोप लगाते हैं लोग, बजत राजनाथ सिंह की बेटा विधायक है, वसुंधरा राजे बेटा भी राजनीति में है, परिवारवादी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आप ले आए ना, और एक को मंत्री बना दिए उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी से ले जाके, कितने ऐसे लोग हैं इसी छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह की बेटा सांसद बना था कि नहीं बना था? बलिराम कश्यप के बेटा, दो बेटा, एक सांसद बना एक मंत्री बना, छत्तीसगढ़ में अनेक उदाहरण दे सकता हूं। तो ये परिवारवाद के केवल आरोप लगाते हैं, वो केवल गांधी, इनके तकलीफ गांधी परिवार से, इनको तकलीफ गांधी शब्द से, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, तकलीफ उनसे ही से। क्या क्या तकलीफ? और जहां तक मेरी बात है तो मैंने तो भाई ऐसा है कि मेरे बच्चों को मैंने पढ़ा लिखा दिया, मैं किसान हूं तो मेरे बेटे को मैंने खेती किसानी सिखा दिया है, उसकी शादी कर दी, अब वो स्वतंत्र हैं कि वो राजनीति में आए कि ना आए वो जाने, उसका काम जाने। मैंने तो सो पालक के हैसियत से, पिता के हैसियत से मैंने उसको पढ़ने लिखने के लिए पूरा अवसर दे दिया, अपने जो पारंपरिक जो धंधा है खेती उसको मैंने सिखा दिया, स्कूल के समय भेज दिया था खेत, मेरा एक ही लड़का है, 3 लड़कियां हैं और सब अपने अपने जगह स्टेब्लिश हैं। उसके बाद आगे क्या करना है अपने जीवन के बारे में उनको निर्णय लेने का हक है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि केवल राजनीतिज्ञ है इसलिए उसके बच्चों को अपने बारे में फैसला लेने का अधिकार नहीं, ये तो गलत है ना, वो ले सक्षम है। अच्छा सुना है आप, और आप हमेशा कहते हैं कि मुझसे ये पूछ लिया करो कि गाना कौन सा पसंद है, गाने के लिए ना कहा करो, तो आजकल कौन सा गाना पसंद आ रहा है आपको? आजकल तो बढ़िया भजन सुने हम लोग, रामायण महोत्सव में